चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं के इलेक्ट्रिक के। सर अस्सलाम वालेकुम, सुप्रीम कोर्ट ने आपको लोड शेडिंग न करने का पाबंद किया था, एक बार फिर लोड शेडिंग बढ़ गई है, आप कहते हैं गैस नहीं मिल रही, सुई सदरन कंपनी तो गैस शॉर्टेज की तरदीद कर रही है, उनके मुताबिक सर 200 MMCFD गैस दी जा रही है के इलेक्ट्रिक को, फिर भी डिमांड क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? फर्नेस ऑयल और गैस की कमी के मसाइल आज के नहीं है, हर 2 माह बाद यही होता है, कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जा सका सर इतने सालों में? इश्यूज हैं और हम जितनी भी मीटिंग्स हमने की है गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, जहां पर SSGC के भी ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट किया है कि गैस प्रेशर का इशू है कोरंगी और साइट पे, और उसकी वजह से हमारा तकरीबन इस वक्त 350 MW, नॉर्मली 200 से 300 MW जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा होता है। और इस चीज़ के ऊपर वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कहा है कि वो अपना प्लान देंगे और उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है, उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। सर ECC ने अभी आपका टैरिफ बढ़ाया है सर, अब एक बार फिर आप रेट्स बढ़ाने की दरख्वास्त करें, नैप्रा का जुर्माना भी कराची वालों की जेब से अदा किया जाएगा क्या सर? नहीं जी बिल्कुल, आज जो डिस्कशन हुई है और हमारी जो हेयरिंग थी उसका ताल्लुक कंज्यूमर टैरिफ से बिल्कुल नहीं है और कंज्यूमर टैरिफ के इंक्रीज की बात उसमें नहीं है। ये जो टैरिफ होता है इसमें हम कॉस्ट ऑफ सर्विस अपनी डिटरमिन करते हैं और नैप्रा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस कॉस्ट ऑफ सर्विस को इवेलुएट करे, असेस करे और उसके बेसिस पे जो है वो जो भी इंक्रीज है या जो भी एडजस्टमेंट्स है वो दी जाए। और ये इस अगर जो इन्वेस्टमेंट प्लान हमने सबमिट किए हैं और रिक्वेस्ट किया है नैप्रा को अलाउ करने के लिए, उससे जो भी इंक्रीज आएगा उसका डायरेक्ट कंज्यूमर पे टैरिफ पे इंपैक्ट नहीं होगा, ऑल्दो परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द कंपनी पे इसका जरूर इंपैक्ट है। के इलेक्ट्रिक में सर बात सुने सर के इलेक्ट्रिक के सर नैप्रा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक में सरमायाकारी के असरात नजर नहीं आ रहे हैं, आपने 298 अरब में से सिर्फ 39 अरब रुपए खर्च किए हैं, कराची से कमाया जा रहा है, कराची पर लगाया क्यों नहीं जा रहा? नहीं नहीं जी बिल्कुल, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 143 बिलियन रुपीज़ हमने इस वक्त तक 2019 तक जो है दिसंबर 2019 तक, जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 तक इन्वेस्टमेंट की है और भी मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसा कि आपकी नॉलेज में भी है 900 MW इज़ इन द कंस्ट्रक्शन फेज और इंशाल्लाह अगले समर 2021 से पहले एक यूनिट उसका आ जाएगा, विच इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो कि जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट वहां पर भी हो रही है। उसके अलावा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। नैप्रा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है ताकि दीगर पावर परचेजिंग कंपनीज भी कराची में बिजली बेच सकें सर? देखिए हमारी सबमिशन नैप्रा से यही है कि जी देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस और प्रॉपर प्लान, और जो भी कंपटीशन अच्छी बात है होना चाहिए और हम उसे डिनाई नहीं करते, बट हमारा जो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस, उसके थ्रू ये हो एक प्रॉपर प्लान, एक मॉडल जो है वो स्ट्रक्चर किया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लिया जाए और पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाए। जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है उससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा बल्कि उससे जो है सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि हमने अपना सबमिशन भी की है नैप्रा को और बताया है कि चूंकि हाई लॉस एरियाज हैं, एक्सक्लूसिविटी गोज हैंड इन हैंड विद दी ऑब्लिगेशन, तो इस वक्त तो के इलेक्ट्रिक की ऑब्लिगेशन है उन एरियाज में भी बिजली देने की जहां पर लॉसेज हाई हैं, जहां रिकवरी नहीं होती है, सो के इलेक्ट्रिक वहां पर भी बिजली दे रहा है और वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये आमिर साहब शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ मामला कहां तक पहुंचा है, डील होगी नहीं होगी? जी डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट के साथ, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक मामला है जो कि जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और लास्ट आई थिंक एक वीक पहले भी एक मीटिंग हुई है प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, सो उसके ऊपर अभी चल रही हैं चीज़ें जो कि रिजॉल्व होनी है, सो लेट्स होप वो रिजॉल्व हो जाए। सर कह चुके हैं कि अगर के इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो हुकूमत इसे टेक ओवर कर सकती है, तैयार हैं आप इसके लिए? देखिए ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए और वो जो भी कमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी इसका डिसीजन है वो बेहतर जानते हैं, बट हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, हम सिस्टम को भी इम्प्रूव करने का प्लान है हमारा, हमने किया है। अगर आप फैक्ट्स देखें तो नंबर्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जितनी हमने एडिशन किए इन द कैपेसिटी, चाहे वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
जनरेशन लॉसेज हों और जो है तो जनरेशन कैपेसिटी है. सो वी हैव एडेड ह्यूज कैपेसिटीज ओवर द ईयर्स और इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन $3.3 बिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट की है सिंस 2005 जो प्राइवेटाइजेशन से, और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है. बट ऑब्वियसली द जर्नी इज कंटिन्यूइंग और ये इंशाल्लाह आगे और इम्प्रूवमेंट आएगी जैसे हम इन्वेस्टमेंट को प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं. सो हम तो कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट और मजीद आएगी सिस्टम. सर मुझे ये बता कि कराची लोड शेडिंग फ्री कब होगा? सर 23 तक जो है वो जो 75% इस वक्त एरियाज लोड शेड फ्री हैं वो इंशाल्लाह 93-94% हो जाएंगे लोड शेड फ्री. इसमें जैसे आप लोग सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन एरियाज में, और फिर देन लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने भी पूरी करनी है. वहाँ पर हमारी इंगेजमेंट चल रही है गवर्नमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो लोड शेड फ्री हो जाएगा कराची.